हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आपको 80-90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री अर्चना जोगलेकर तो याद ही होंगी। आज हम आपको उनके जीवन में हुए उस हादसे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उनका करियर तबाह कर दिया था। खूबसूरत अदाकारा अर्चना जोगलेकर का जन्म 1 मार्च 1965 को मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे जबकि मां आशा जोगलेकर जानी मानी कथक नृत्यांगना। पिता की पोस्टिंग महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हो गई थी, इस वजह से अर्चना और उनके भाई की पढ़ाई लिखाई इसी जगह हुई थी। मगर बचपन से ही उनके मन में एक नृत्यांगना बसा करती थी। इसकी वजह थी उनकी माँ, जिन्हें वो रोज नृत्य करते देखा करती थी। नृत्य में अर्चना की रुचि देखकर उनकी माँ ने बेटी को भी डांस सिखाया था। बड़ी होकर अर्चना मशहूर अभिनेत्री ही नहीं प्रसिद्ध नृत्यांगना भी बनी। वैसे अर्चना माँ के कथक स्कूल में डांस सीखने के साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी तेज थी। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से BCOM की पढ़ाई की। अब जानिए कि वो एक्टिंग की दुनिया में कैसे पहुंची। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम का एक विज्ञापन अर्चना ने अखबार में देखा। वहां नए टैलेंट की खोज हो रही थी। अभिनेत्री ने भी मजाक मजाक में हिस्सा ले लिया, मगर उनकी किस्मत ही पलट गई। 500 प्रतिभागियों को पछाड़ते हुए उन्होंने कॉम्पिटिशन जीत लिया। बस यहीं से उनके लिए एक्टिंग की दुनिया के दरवाजे खुल गए। अर्चना ने अपने करियर की शुरुआत साल 1987 में उड़िया फिल्म सुना चाढ़ई से की थी। वो उड़िया और मराठी सिनेमा में बहुत मशहूर हुआ करती थीं। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कदम रखा। 1987 में संसार फिल्म में रजनी का किरदार निभाकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी। इसके अलावा मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक और आग से लड़ेंगे जैसी फिल्मों से भी उन्होंने खूब नाम कमाया था। छोटे पर्दे पर दूरदर्शन में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। 1987 में आने वाले चुनौती शो में वो पहली बार दिखी थीं। इसके अलावा उन्होंने शांति शांति, फूल वाली और किस्सा शांति का जैसे मशहूर टीवी शोज में भी अभिनय किया था। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि इतनी मशहूर अभिनेत्री अचानक फिल्मी दुनिया से क्यों गायब हो गई और अब वो किस हाल में है। चलिए हम इसका सच आपको बताते हैं। असल में उनके साथ एक बहुत खराब घटना हो गई थी जिसने उनको हिला कर रख दिया था। 1997 की बात है। अर्चना ओडिया फिल्म की शूटिंग के लिए भुवनेश्वर के एक होटल में रुकी हुई थी। वो शूटिंग पूरी करके रात को अपने कमरे में सो रही थी। अचानक आधी रात को एक आहट से उनकी नींद टूटी तो सामने एक अनजान इंसान खड़ा हुआ था। अपने कमरे में अनजान शख्स को देखकर वो हैरान रह गई। पहले वो खुद को उनका फैन बताने लगा, मगर फिर अपने असली इरादे पर आ गया। वो बदमाश अर्चना के साथ दुष्कर्म करने जा रहा था। उसने अर्चना को पकड़ लिया था कि तभी वो चिल्लाने लगी। उनकी आवाज सुनकर होटल का स्टाफ दौड़ा दौड़ा चला आया और उस अजनबी को पकड़ लिया। उस दिन अर्चना की जिंदगी बर्बाद होने से भले ही बच गई, मगर उनके मन में ऐसा घाव लगा कि इसके बाद फिल्मी दुनिया से उनका मन ही उचट गया। उन्होंने फिर सिनेमा को विदा कहने का फैसला कर लिया। करियर की ऊंचाइयों पर रहते हुए अर्चना ने शादी कर ली और अमेरिका शिफ्ट हो गई। 1999 में अर्चना ने न्यू जर्सी में अपना एक डांस स्कूल खोला, जहां वो अब भी बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाती हैं। दोस्तों, आपको अर्चना जोगलेकर की कोई टीवी शो या फिल्म याद है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।